दिख रही है, वो जज्बाती बातें छोड़े कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया वैसे कैसे हो गया, बहकाने वाली बातें हैं। इंशाल्लाह वक्त रहा तो उसकी भी बात करेंगे। शैतान ने खुद उसको भी देखे ना, जितनी बातें अल्लाह यारी की कहते हुए खराब लगता है, वो जितनी बातें करता है उसमें अपनों के साथ शिद्दत होती है, अखियार के साथ रहेंगे, मियार कुरान के खिलाफ जितनी भी बातें करता है ये आपको शियों के खिलाफ मिल जाएंगी या अहले सुन्नत के खिलाफ मिल जाएंगी। यहूदियों के खिलाफ कोई बात नहीं मिलेगी, दुश्मन इस्लाम के खिलाफ उसकी कोई बात नहीं मिलेगी। तो आया कुरानी के एकदम उल्टा गया ना, एकदम आयत के खिलाफ बात करो। वो अपने मियार से पहचानना चाहिए उसको। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो आयत कुरानी के खिलाफ जाते हैं, अपनों के साथ शिद्दत से पेश आते हैं और अखियार के साथ बहुत ही रहम से पेश आते हैं कोई आयत के खिलाफ। तो बहरहाल अगर आरए रईसी या इस जमहूरी इस्लामी का ये मिजाज है तो ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर्फ असलाह ही खड़ा हुआ है। जहाँ से असलहे की आवाज आई है वहां से आवाज ही हुआ है इत्तेहाद की आवाज, वहां से आवाज ही हुआ है इंसानियत की आवाज। लिहाजा आमिर रईसी ने वहां पे जब यूएन में तकरीर की, जब कुरान मजीद जो हमारी असल गुफ्तगू थी उसके वापस है बहुत ज्यादा प्रेरित होता है, जब कुरान मजीद की मुसलसल तौहीन हो रही थी तो ये 56 बहनों का भाई तलहा यूएन में जब पहुंचा तो कुरान मजीद को सबके सामने पेश किया। ये आय शरीफा जो हमने आपके सामने पेश की है इस आय शरीफा को वहाँ पे और हम सबको समझने की जरूरत है। बहुत वाज तौर पर आय शरीफा कहती है बशारत देते हैं उन बंदों को कि जो सुनते हैं बातों को अहसन हूँ और उसमें से जो अच्छा होता है उसको फॉलो करना है।